नमस्कार। हेल्दी किचन नवाजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ चने की सब्जी। इसे चना मसाला भी बोलते हैं। ये काला चना है जिसको मैंने रात भर भिगोकर रखा था और इसको मैंने 4 या 5 से 6 सीटी डाल थोड़ा सा नमक डालकर 5-6 सीटी में उबाल लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े साइज का प्याज, जिसको मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। 2 हरी मिर्च और 2 बड़ा साइज का टमाटर, इसको भी मैंने पेस्ट बना लिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून। और यहाँ पे मैंने चने का पेस्ट लिया है और 2 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा, सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, हींग और स्वादानुसार नमक लेंगे। और तेल बनाने के लिए, सॉरी, सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल लेंगे। यहाँ पे लगभग 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने तेल लिया हुआ है। और ये जो मैंने पानी में उबाला था चना, वो पानी बचा हुआ है मैंने लिया है। ये ग्रेवी में डालेंगे हम और ज़रूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा पानी लेंगे। तो चलिए बनाते हैं चना मसाला। तो सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और उस पर कढ़ाई रखेंगे। मैंने गैस ऑन कर कढ़ाई उस पर एक कुकर रख लिया है। आप चाहे तो कढ़ाई में भी मसाले भून सकते हैं। जब तक हमारा अच्छे से इस कुकर को हम गरम कर लेते हैं। हमारा कुकर अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे और ऑयल को अच्छे से गरम होने देंगे। हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसमें हम तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च और जीरा डाल देंगे और इसमें हम 2 पिंच हींग डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। जो हमारा जीरा तड़कने लगे तब इसमें हम प्याज का पेस्ट डाल दें। अभी हम प्याज को तब तक भूनना है जब तक प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। प्याज का पेस्ट को अच्छे से भूनना चाहिए, नहीं तो प्याज का कच्चापन आएगा तो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। अब इसे हमें चलाते हुए जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो तब तक भूनना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं हमारा प्याज अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट है उसको भी डाल देंगे। और इसे 2 मिनट तक भून लें ताकि इसमें से लहसुन का कच्चापन निकल जाए। दो मिनट हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट भी डाल देते हैं और इसके साथ साथ सारे मसाले डाल देंगे। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, वन टीस्पून सब्जी मसाला और नमक स्वादानुसार। सारे मसाले को डालकर अच्छे से हमें तब तक भूनना है जब तक मसाले से तेल न ऊपर तैरने लगे। इसे हमें स्लो फ्लेम पे ही पकाना है ताकि मसाले अच्छे से, जब टमाटर का पेस्ट और हल्दी मसाले डाले सब पक जाए अच्छे से। जब आपको लगे ऐसा कि हमारा मसाला नीचे से पकड़ रहा हो तो इसमें थोड़ा पानी डालकर, और इसे अभी हमारा मसाला भुना नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे पानी डाला है, और इसे
पकाएंगे हम। लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें हम उबले हुए चने डाल देते हैं। अब चने और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर दे और लगभग 2 मिनट इस चने के साथ इसे पका लें। दो मिनट हो चुके हैं, हमारे चने भी मसाले के साथ अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें हम जिसमें हमने चने उबाले थे वो पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अभी इसमें हमें और पानी डालना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत सूखा लग रहा है देखने में। इसलिए इसमें लगभग 1 गिलास पानी मैंने डाला है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दे। अब इसमें हम जो ये चने का पेस्ट बनाया थे वो डाल देंगे। ये जब मैंने चने बॉईल किए उसके चना निकालने के बाद उसमें से 1 कटोरी निकाल लिया था और उसका पेस्ट बना ली था। इसके डालने से चने का जो सब्जी होती है बहुत ठीक बनती है, नहीं तो चना अलग रहता है पानी अलग रहता है। अभी हमारी सब्जी और गाढ़ी लग रही है, इसमें हमें थोड़ा और पानी डालना पड़ेगा। अब इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये बहुत सब्जी हमारी पतली हो जाएगी। अब इसमें हम एक टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला को डालकर अच्छे से मिक्स कर दें। और इसे हम वापस से सीटी लगाएंगे, नहीं तो ये चना हमारा कितना भी उबाले रहे फिर भी कड़क रहता है। इसे हम 2 सीटी और उबाले सीटी डालेंगे तो अच्छे से पक जाएगी हमारी सब्जी। तो हम इसका ढक्कन लगा देते हैं और 2 सीटी आने देते हैं। गैस ऑफ कर देते हैं। अभी दी 2 सीटी आ चुकी थी, अब गैस मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। हमारा गैस अच्छे से इसमें से निकल चुका है कुकर का। अब हम गैस कुकर ऑन कर ले। देखिए अच्छे से हमारी सब्जी पक हो चुकी है और कितनी गाढ़ी हुई है। इसे नॉर्मली हम बनाते हैं तो बहुत पतला होता है, तो अब इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमारे काले चने की छोले तैयार है। इसे आप भी खाइए और अपनों को भी खिलाइए। ये काले चने के छोले आप रोटी पराठा या चावल किसी से भी अपने मनपसंद चीज़ों से खाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो आप इसे खाइए और खिलाइए और अपने अनुभव मुझसे शेयर कीजिए। नमस्कार।